देख हमारे आईडी नंदी सो जी लोहार साहब बता रहे हैं, बोलो रिकॉर्ड तो नहीं किया हमारे बीच हमारी बहन खुशबू जी मालवी मालवी पूर्व पार्षद सावत पार्षद भी रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। ईश्वर जी केदार बहुत बड़ा नाम है, उनका भी स्वागत है। हाँ तो नंद जी राम जी भैया स्वागत करें, कमल जी भैया आ जाए आप, और मैं ईश्वर जी भैया से ही निवेदन करूंगा मंच पे बिराजे सबसे वरिष्ठ नेता है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में हमारे जिला महामंत्री भाजपा का गौरव धनपाल सिंह जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उद्बोधन देवे भारत माता की वंदे वंदे भाजपा जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। आज इस ओबीसी मोर्चा की बैठक और जो सम्मेलन है इन सबका जिनका मार्गदर्शन प्रदान करने वाले इन्होंने युवा मोर्चा में मेरे साथ काम किया जिलाध्यक्ष भी रहे और जिनको काम से देखते हुए वापिस ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। हम सबके मध्य एक राजनीति के हस्ताक्षर और जो बैठकों में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक दृष्टि से जान भूखने वाले पूर्व में उपमहापौर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता परम सत्य लोकेश जी द्विवेदी साहब आज इनका सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे चित्तौड़ की पावन धरा से बताने वाले संजय सिंह जी भाई साहब समिति के अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी भाई सोगला जी खुशबू जी चंद्र साहब और मेरे हृदय में स्थान रखने वाले सम्मानित मंच उपस्थित सामने कार्यकर्ता बंधु, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण मोर्चा है और मैं मानता हूं ये मोर्चा पार्टी की रीढ़ की हड्डी भी है। सोगलाल जी अभी सारी बात अपने सामने बताई और जो कार्यकर्ता पार्टी के दिन रात दौड़ता है जो समय भी देता है समर्थन भी देता है वही स्पष्ट बात भी करता है। अनेक अवसरों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अवसर दिए, चूंकि समय की मर्यादा भी है, मैं जब कार्यालय में आया उस समय ये संकल्प पत्र का मैंने सबके हाथ में एक संकल्प पत्र भी दिया है, चूंकि किसी ने ठीक ही कहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पहले घोषणा पत्र होता था, चूंकि अब घोषणा कांग्रेस वाले घोषणा करते थे उसका नाम बदलकर संकल्प पत्र रखा और एक एक पत्र की कॉपी भी मैंने आपके हाथ में दी है, आपका नाम लिखा होगा आपका एड्रेस लिखा होगा। प्रत्येक व्यक्ति से यह तय किया गया कि संकल्प पत्र क्या क्या पार्टी की घोषणा पत्र होता है संकल्प पत्र क्या हो, जैसे मैंने लिखा उस पत्र के अंदर मेवाड़ एक जनजाति क्षेत्र है, लंबे समय से यहाँ के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं, आम जन भी मांग करते हैं और उस मांग के लेकर उदयपुर में निश्चित तौर से हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए, वो मैंने संकल्प पत्र पे भरा। 12 और 13 तारीख का अभियान भी है, आज जब आप जाओगे आप भर के इसके अंदर आप निश्चित तौर से इस संकल्प पत्र को भरे और उसके अलावा भी मैंने कुछ पत्र भी रखे हैं। मैं जगदीश जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप आपके मंडल के अध्यक्ष है मंडल के पदाधिकारी है कार्यकर्ता है 2 दिन का व्रत अभियान है आज और कल, आज आप ये तय करके शाम को घर घर वो संपर्क करें और ये संपर्क पत्र भराए और कल सुबह भी और वो आपके सोशल मीडिया में प्रत्येक मंडल के अंदर नजर आना चाहिए। जब आप आती है ओबीसी मोर्चा की कुछ घटना के बाद में हमारे यहां पत्र रिक्त हो गया था, हमने जगदीश जी ने प्रदेश अध्यक्ष से बात भी की है और मेरे को लगता है कि इसी महीने
ओबीसी मोर्चा का एक नया जिलाध्यक्ष भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मित्रों, ये मोदी की सरकार है और सब जने ठीक ही कहते हैं कि मोदी जी है वो सपने नहीं हकीकत ढूंढते, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। 2016 मई 2014 के दिन इस युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और उस समय पूर्व की सरकार रही थी, हमेशा गरीबी का नारा दिया और ऐसे ही माटी का लाल, और मैं मानता हूं कि आपके कुल के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति इस देश का सर्वोच्च पद किसने प्राप्त किया है और इस देश का नहीं विश्व का कोई लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपके कुल से पैदा हुआ व्यक्ति है। राजनीतिक जीवन के अंदर शुचिता और सादगी का वो प्रतीक है, किसी ने मान अपमानी खाएगी एक दाग राजनीतिक जीवन के अंदर, चाहे वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, और ये चीज किसने दी, ये चीज आपके समाज ने दी। अनेक अवसरों में पार्टी ने मौका भी दिया है, लेकिन मैं आपके चुनाव में निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और उस लोकसभा चुनाव को लेकर मंदनलाल जी हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वनवासी कल्याण परिषद के अंदर लंबे समय तक उन्होंने काम किया। लेकिन कहते हैं ना, कांग्रेस के अंदर प्रत्याशी मिलते नहीं है, पूर्व में विधायक मिले लेकिन आज गौरव बल्लभ जी को पूछ रहे वो गौरव बल्लभ जी गए क्या। इस भ्रष्टाचार के अंदर लोगे जी भाई साहब, कांग्रेस सरकार के अंदर किसने पराकाष्ठा की, तो यहाँ के कलेक्टर ताराचंदी छेने ताराचंदी बिना ने की, किस प्रकार से हरी भरी अरावली वादियों को चीनने का काम किसने किया और भू माफिया को पनपाने का काम किया तो ताराचंदी मीणा ने किया। अखंड भ्रष्टाचार में डूबने का काम उन्होंने किया, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम उन्होंने किया। ऐसे व्यक्ति को एक एक भारतीय जनता पार्टी का आज आप बैठे, भगवान राम की भक्ति यहां बैठे हैं, हनुमान मंदिर हम एक एक मंडल के अंदर एक एक कार्यकर्ता बीच में एक एक वोटरों के बीच में हमको जाके हमारे मध्य जिलाध्यक्ष जी पद का मार्गदर्शन प्रदान आज करेंगे। तो मैं सिर्फ एक चीज में निवेदन करना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर जो राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा 25 विधानसभा जीतने का लक्ष्य दिया और जो लक्ष्य एक एक लोकसभा 5 लाख से अधिक मतों से जीते और जीतने का काम आपके कंधों पर होगा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।